दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं युवराज और फैसल, आपका हार्ड रॉक बैंड है आफ्टर डार्क। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आफ्टर डार्क यानी अंधेरे के बाद, ये नाम आपके बैंड का है, तो ये नाम रखने की कोई खास वजह या आपके अकॉर्डिंग आफ्टर डार्क का क्या मतलब? हमारा यही मतलब था कि अंधेरे के बाद रोशनी शुरू होती है। तो दैट इज़ व्हाट हमारे बैंड का भी नाम होना चाहिए कि रोशनी, नॉट डल इमेज या कुछ नहीं, सिर्फ रोशनी, अंधकार से दूर एक तरह से। तो वो है, ये हमारा मेन मकसद था। तो वो रोशनी जो है वो आपको मिल गई या अभी तलाश रोशनी चल रही है? दो साल हो गए हैं पिछले, बट काफ़ी कुछ करा भी है हमने, काफ़ी शोज वगैरह कर रहे हैं तो, पर जो मेन रोशनी की तलाश है वो अभी तक नहीं मिली, उसकी तलाश अभी भी जारी है। अच्छा युवराज और फैजल, आप दोनों बताइए कि कैसे बना आपका ये ग्रुप, कौन आपके ग्रुप में सॉन्ग्स लिखता है जी, कौन कंपोज करता है, ये बताइए कुछ। दो साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तकरीबन 2.5 साल आप बोल सकते हैं। जी जी। तो मैं कॉलेज में था उस टाइम, सेकेंड ईयर में। एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है, वहाँ पर लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं कि बैंड फॉर्म करना है या कोई गिटार है लेने के लिए, सेकंड हैंड गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं वहाँ गया एक बार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऐड यहाँ पर लगा दूँ, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था बैंड में प्ले करने का जी। तो मैंने अपना ऐड लगाया, तो उसके दूसरे दिन ही मेरे को जो मेरे बैंड मेम्बर हैं अभिमन्यु कपूर, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो मैंने कहा हाँ, मैं कल आया था आपके पास और थोड़ा जैम करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो सेकंड डे मैं गया और हमने थोड़ा बहुत जैम करा और थिंग्स वर रियली फाइन। अच्छा, सो तब से ये सफ़र शुरू हुआ हार्ड रॉक का। 2 साल हो गए। बातचीत तो होती रहेगी, अब आप ये बताइए कि अब आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? आज एक्चुअली मेरे बैंड मेम्बर्स सारे आ नहीं सके, क्योंकि सारे अपने काम में इन्वॉल्व थे। तो फैजल है मेरे साथ जी। ये थोड़ा प्ले करेंगे, एक सॉन्ग है जो जिससे हमने शुरुआत करी थी, जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग था, हमने कॉलेज में प्ले करा था, वो ये करेंगे। उसका नाम है एवरी रोज हैज अ थॉर्न, जिसकी प्रैक्टिस में लड़ाइयां भी हमें बहुत बहुत हुई। We both lie silent still in the dead of the night, although we both lie silent still, a few miles upon each side. There was something I said, something I did, did my words not come out right? Oh, I tried not to hurt you, yeah, I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad old song, every rose has its thorn. क्या बात है? Thank you. आप दोनों ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में गाते हैं हार्ड रॉक, तो कभी कभी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हिंदी की तरफ भी बढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हम वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी हमने शुरुआत करी है, 2 साल हुए हैं। तो जब आप बैंड शुरू करते हैं तो एक आप कॉलेज लेवल से करते हैं, तो और हमारा इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इंग्लिश रॉक, तो वी स्टार्टेड आउट एज अ इंग्लिश रॉक बैंड। अब जब कमर्शलाइजेशन की बात आती है तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये चलेगा नहीं, ये सिर्फ कॉलेज लेवल तक ही रहेगा। तो वी डू थिंक अबाउट इट, करेंगे धीरे धीरे, सब डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस क्या करना है, करने का दिल है आपको करने का और क्या आप करेंगे, सो डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपके इंटरेस्ट है और शौक है तो इस पे क्यों ना फोकस किया जाए। जी हाँ जी हाँ, पर जरूर करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे, अब ये नहीं तो 1 साल बाद, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, हम इंतजार करेंगे जी। ये बताइए, अभी आपने कमर्शलाइजेशन की बात करी, हिंदुस्तान में ऑलरेडी इतने सारे बैंड्स हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ है, तो इनके बीच में आपको क्या लगता है कि अपना मुकाम बनाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना ही आसान है।
क्योंकि जो बैंड्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं उन्होंने भी किसी लेवल से स्टार्ट करा था, उन्होंने भी ये सोचा मेहनत करते रहेंगे और आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, रिजल्ट मिलता रहेगा। तो यही हम सोच के बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं तो पहुँचेंगे। कौन सा ऐसा गाना था जिसने आपका एक मकाम बनाया और क्या आगे भविष्य में एल्बम बनाने की भी सोच रहे हैं? एक गाना हमने बनाया था लास्ट ईयर, लॉस्ट इन टाइम उसका नाम है गाने का। इट्स अ बैलेड, इट्स अ रॉक बैलेड एक्चुअली। तो एक कॉन्सर्ट होता है हर साल ग्रेट इंडियन रॉक करके, तो उसके लिए आपको अपना खुद का कंपोज करा हुआ लिखा हुआ गाना भेजना पड़ता है। तो हमने वो गाना ऑलरेडी बनाया हुआ था तो हमने उसके लिए भेजा उस कॉन्सर्ट के लिए, और लकली भी उनको सॉन्ग अच्छा लगा और उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया। तो पूरे इंडिया से 12 बैंड सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक हमारा था और उसकी एल्बम भी रिलीज़ हुई थी पिछले साल, जो अभी तक मार्केट में है, अवेलेबल है। तो हमने शो भी करा था हमशदवानी में ग्रेट इंडियन रॉक, तो वहाँ से हमें पॉपुलैरिटी मिली थी। युवराज, आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है जी, आपके आदर्श सिंगर कौन है, किन से आपको प्रेरणा मिलती है और हम चाहेंगे कि उन्हीं का कुछ आप हमें सुनाएं अभी जी। एक बैंड है ओएसिस करके जी, ब्रिटिश बैंड है जी जी, तो वही सबसे बड़ा मेरा इन्फ्लुएंस रहा है राइट फ्रॉम स्कूल, जब मैं आई थिंक 10th क्लास में था तब से ही मैं सुनता आ रहा हूँ उनको। तो उनके गिटार प्लेयर हैं नोएल गैलेगर करके जी जी। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे हैं वो थ्रू आउट। इन्होंने मुझे सुना कि उनकी आदत डाल दी, आदत डाल इनको भी, क्योंकि ये पसंद नहीं करते थे पहले, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब इन्होंने जब सुनना स्टार्ट करा तो जो वो ही इज़ लाइक न्यू जॉन लेनन इन अ वे, वो लिखते बहुत अच्छे हैं, वो बीटल्स का इनकारनेशन ही एक तरह से, न्यू इनकारनेशन यू कैन से। तो दे आर माई फेवरेट बैंड, वही सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं मेरे को। तो हम चाहेंगे कुछ हो जाए जी, उनका एक सॉन्ग है वंडर वॉल जो काफ़ी फेमस हुआ था, हम चाहते हैं कि वही करें आपके सामने। जरूर जरूर। Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you, 'cause by now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the weather's on the street and the fire in your heart is out. And I know you heard it all before, but you never really had a doubt. And I don't believe in anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us there are winding, and all the lights that lead the way we're blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my युवराज और फैसल, आफ्टर डार्क आपको रोशनी जरूर मिलेगी, हम दुआ करते हैं आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।